नमस्कार, मैं हूं श्वेता मलकर और आप सब देख रहे हैं TNN न्यूज। बागलपुर में एक महिला के साथ पहले तो दुष्कर्म की गई, इसके बाद इसका वीडियो बनाकर कई महीनों तक इस वीडियो की धमकी देकर रेप की गई। बिहार के बागलपुर में एक रंगदार के खिलाफ महिला ने कई महीनों तक दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज करवाई है। ये मामला नाथनगर में लोलमटिया थाना क्षेत्र के कबीरपुर का है। महिला ने कहा कि आरोपी ने दुष्कर्म करके उसका वीडियो बनाया और कई महीनों तक उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता के मुताबिक आरोपी और भी कई महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बना चुका है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले के बदमाश इरफान उर्फ नन्हे ने कुछ महीने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया था। वो जब पानी भरने जा रही थी तो इरफान पिस्तौल दिखाकर जबरदस्ती अपने साथ एक घर में ले गया, फिर वहाँ उसके साथ दुष्कर्म करके वीडियो बनाया और बाद में इसी वीडियो को वायरल कर देने की धमकी देकर कई महीनों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने SP बाबूराम से गुहार लगाई है कि आरोपी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि वो किसी और महिलाओं के साथ ऐसा ना कर सके। पीड़िता ने ये भी कहा है कि अगर उसे न्याय नहीं मिली तो वो सुसाइड कर लेगी। बागलपुर SP बाबूराम ने कहा कि मामले की पूरी तहकीकात करने के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आरोपी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।